ऑफ आर्टरी बैंड का महत्व हमेशा से रहा है। तोपखाना बैंड ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने जौहर दिखाकर रेजिमेंट ऑफ आर्टरी का नाम रोशन किया है। रेजिमेंट ऑफ आर्टरी, मैं आपके शपथ ग्रहण समारोह में समीक्षक अधिकारी के रूप में उपस्थित हूँ। साथ ही मैं उन माता पिता और गुरुजन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके उचित मार्गदर्शन और कठिन प्रयास ने आप लोग आज भारतीय थोपखाना में सम्मिलित हुआ है। मुझे मालूम है आज का दिन आपके लिए खुशी और उत्साह का एक दिन है, क्योंकि पिछले कई महीनों का कठिन प्रशिक्षण के बाद उसको सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद आप लोग एक पूर्ण सैनिक बने हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इस वर्दी के बारे में चार चीजें बताना चाहूंगा। मुझे मालूम है कि ये जो मैं बताऊंगा आपको वो आपके प्रशिक्षण के दौरान आपके प्रशिक्षकों ने बहुत बार बताया होगा, लेकिन इस सुनहरे अवसर पर मैं समझता हूँ उसको दोहराना उचित रहेगा। सबसे पहले, जब हम बचपन में एक संकल्प करते हैं कि बड़े होकर मैं ऐसा एक काम चुनूंगा जिससे मैं अपने घर के लिए और समाज के लिए उपयोगी बनूंगा, और मुझे खुशी है और फख्र है कि आप लोगों ने देश की सेवा का ये जो काम चुना है, और मैं बताऊं जो वर्दी हमने धारण की है इस वर्दी इज्जत से भरा हुआ है, और ये इज्जत हमारे पूर्वजों ने अपने जान की कुर्बानी कर और बलिदान देकर पाया है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये फिर याद कराना चाहूँगा, आगे जो भी काम आप करेंगे इस बात को मद्देनजर रखते हुए करें ताकि हम उस इज्जत को कायम रखें और हमारी वर्दी पे कोई आंच न आने दे। दूसरी बात, जैसे ही हम सिविल में रहते हैं हमारे समाज हमारे तरफ एक आम नागरिक के तरफ देखता है, लेकिन जैसे ही हम भारतीय सेना में शामिल हो जाते हैं और इस वर्दी का धारण करते हैं तो समाज हमको एक आदर्श नागरिक के तरफ देखते हैं। इसका मतलब आने वाले जितने भी दिन हैं उन सब के दिन में जो भी हमारे बोल चाल रहन सहन जो हमारी बर्ताव अव्वल दर्जे का, इस वर्दी का बहुत महत्वपूर्ण एक रूप है। इसमें जितने भी हमारे पूर्वज जिसने बलिदान दी और हमारा तोपखाने का नाम को रोशन करा उसको हर वक्त हमें ध्यान रखना है। आगे के जीवन में अभी हमारे सामने सबसे पहला देश आएगा,